हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो कनाडा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। सितंबर लॉज फाइल्स के रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आ रहे हैं। कल भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आए थे सितंबर की फाइल्स के, और आज तो मोस्टली सितंबर की फाइल्स के रिज़ल्ट की पीपीआर ही है मेरे पास। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की अपडेट्स इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। ओके गाइस, तो देखते हैं पहली टाइमलाइन। तो इन्होंने मेरे चैनल पर कमेंट किया था कि इनकी पीपीआर आई है 27 अक्टूबर को। तो सबसे पहले तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ, एंड इनकी टाइमलाइन भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। तो इन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सितंबर के फाइल्स के रिजल्ट हैं, तो इन्होंने भी सितंबर में अपनी फ़ाइल लॉन्च की थी 3 सितंबर को। उसके बाद इनके मेडिकल जो हुए हैं वो 29 जुलाई को हुए थे। बायोमेट्रिक 17 सितंबर के हैं, तो नेक्स्ट डे ही इनके बायोमेट्रिक्स भी अपडेट हो गए थे। उसके बाद रिव्यू स्टार्ट हुआ, मेडिकल अपडेट हुआ, और साथ ही साथ में पीपीआर इनको 27 अक्टूबर को रिसीव हुई है। ओके, ये नेक्स्ट देखिए, ये एसटीएस फाइल है, 2 सितंबर को लॉन्च की थी इन्होंने। बायोमेट्रिक्स 27 सितंबर के हैं, सेम डे ही अपडेट हो गए थे, और पीपीआर इनको 27 अक्टूबर को रिसीव हुई है। कोर्स इनका था बिग डेटा एनालिस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट था कोर्स, 2 ईयर्स का प्रोग्राम है। कॉलेज है इनका लैम्पटन कॉलेज मिसिसागा, एंड इन्होंने 3 ईयर्स के आईटी एक्सपीरियंस के बाद अपनी फाइल लॉन्च की थी। ओके, ये नेक्स्ट है, केपीयू सरी में डिप्लोमा है इनका फाइन आर्ट्स में। फाइल लॉन्च इन्होंने की थी 2 सितंबर को। मेडिकल इनके हुए थे 14 अगस्त को। बायोमेट्रिक्स हैं 12 सितंबर के, और सेम डे अपडेटेड हैं। उसके बाद मेडिकल अपडेटेड है इनका 25 अक्टूबर को, देन पीपीआर इनको 27 अक्टूबर को रिसीव हुई है। ओके, ये नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन सबमिशन इनकी है 2 सितंबर की। मेडिकल हैं अपफ्रंट, बायोमेट्रिक्स हैं 7 सितंबर के। मेडिकल अपडेट इनका हुआ था 23 अक्टूबर को, देन पीपीआर इनको अपनी रिसीव हुई है 27 अक्टूबर को। ओके, ये नेक्स्ट देखिए, एसटीएस फाइल है ये भी, अपफ्रंट मेडिकल 13 अगस्त के हैं। फाइल लॉज इन्होंने 3 सितंबर को की थी। मेडिकल इनका अपडेट हुआ था 26 अक्टूबर को। उसके बाद बीबीएल आया, एंड साथ ही साथ में पीपीआर इनको 28 अक्टूबर को रिसीव हुई है। ओके गाइज, ये नेक्स्ट देखिए, 2 सितंबर को इन्होंने फाइल लॉन्च की थी। बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर इनको 3 सितंबर को आया, नेक्स्ट डे। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट 27 अक्टूबर को इनको रिसीव हुए हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट है, इन्होंने फाइल लॉन्च अपनी की थी 2 सितंबर को। बायोमेट्रिक्स हैं 28 सितंबर के। मेडिकल इनका 20 अगस्त का है। उसके बाद इनका मेडिकल अपडेट हुआ है 23 अक्टूबर को। उसके बाद इनको BVL एंड PPR साथ ही साथ में 27 अक्टूबर को रिसीव हुए हैं। कॉलेज है लसाल इनका, मॉन्ट्रियल क्यूबेक में। ओके, ये नेक्स्ट देखिए, 2 सितंबर को इन्होंने अपनी फाइल लॉन्च की थी। बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर इनको 3 सितंबर को आए, और ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको 27 अक्टूबर को रिसीव हुई है। कोर्स है इनका मास्टर ऑफ मैनेजमेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। एप्लीकेशन डेट आप देख सकते हैं 2 सितंबर, बायोमेट्रिक्स 9 सितंबर के हैं, देन BVL एंड PPR इनको सेम डे 27 अक्टूबर को रिसीव हुआ है। ओके, ये नेक्स्ट है, 3 सितंबर की फाइल लॉन्चमेंट डेट है। सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे। बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर इनको नेक्स्ट डे आया, और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट 27 अक्टूबर को इनको रिसीव हुए हैं। देन ये नेक्स्ट है, 3 सितंबर को इन्होंने फाइल लॉन्च की थी। सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे। बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर इनको नेक्स्ट डे आए 4 सितंबर को। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको 27 अक्टूबर को रिसीव हुए हैं। देन ये है नेक्स्ट, 4 सितंबर फाइल लॉन्चमेंट डेट है। सितंबर 4 ही सबमिशन कंफर्मेशन डेट है। नेक्स्ट डे बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आए सितंबर 5 को। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया इनको 27 अक्टूबर को, और ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी 27 अक्टूबर को ही इनको रिसीव हुआ है। ओके, ये नेक्स्ट है, इन्होंने फाइल लॉन्च की थी 6 सितंबर को। सबमिशन कंफर्मेशन 6 सितंबर है। बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर इनको 7 सितंबर को आए, और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड उसके साथ ही ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी 27 अक्टूबर को रिसीव हुए हैं। ओके, ये नेक्स्ट देखिए, 2 रिफ्यूजल्स थी प्रीवियस इनकी सेंट क्लेयर कॉलेज से, एंड उसके बाद इनको पीपीआर अपनी आई है 2 रिफ्यूजल्स के बाद 27 अक्टूबर को। ओके, ये नेक्स्ट देखिए,
सितंबर 3 को इन्होंने फाइल लॉन्च की थी, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे का है। 4 सितंबर को इनको बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आए और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट 27 अक्टूबर को इनको रिसीव हुए हैं। ओके, ये नेक्स्ट देखिए, इन्होंने अपनी फाइल लॉन्च की थी 15 सितंबर को, मेडिकल अपडेट हुआ एंड रिव्यू स्टार्ट हुआ इनका 25 अक्टूबर को। उसके बाद इनको BVL आया एंड PPR भी साथ ही साथ में 27 अक्टूबर को रिसीव हुई है। ओके गाइस, तो ये आपने देखी सितंबर लॉज फाइल्स की PPR, सारी ही आपने देखी जैसे कि सितंबर लॉज फाइल्स की ही PPRs आई हैं। तो होपफुली अब सितंबर फाइल्स पर वर्क होना स्टार्ट हो गया है। तो जिन लोगों ने अगस्त में फाइल लॉज की थी या जुलाई जून वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनको भी आई होप जल्दी से जल्दी उनका रिजल्ट जो है वो मिल जाए। अब हम कह सकते हैं कि जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। तो जैसे कि IRCC ने प्रॉमिस किया है कि इनटेक से पहले सभी को उनके रिजल्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, तो आई होप एंड प्रे फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू ऑल विल रिसीव योर रिजल्ट्स वेरी वेरी सून। तो अगर वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टिल देन गाइस टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।